देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को जनता दरबार लगाकर सुना। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सुनते समय अनिल विज पूरे एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को मौके पर ही कड़ी फटकार लगाई। दोपहर शुरू हुआ जनता दरबार देर शाम संपन्न हुआ। अम्बाला छावनी निवासी महिला ने गृह मंत्री विज को अपनी शिकायत देते हुए बताया कि उसका पति के साथ विवाद चल रहा है और वो अपने भाई के साथ मायके में रह रही है, मगर बिजली बोर्ड ने जेठ के नाम से बिजली के मीटर को डिफॉल्टर करार देते हुए उसके खिलाफ बिजली बोर्ड विजिलेंस में मामला दर्ज करा दिया। महिला की शिकायत पर अनिल विज ने एक्सईएन से जवाब तलब किया, जिसके बाद मामले में बिजली बोर्ड विजिलेंस के एसडीओ की गड़बड़ी पाई गई। अनिल विज ने बिजली बोर्ड के एमडी को फोन कर एसडीओ को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। अम्बाला से हमारे विशेष संवाददाता सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। राजनीतिक उनको निष्क्रिय किया गया है जो गलत तरीके से चल रही है, तो जायज है, मेरा मतलब बनी हुई है। और अब ये मामले भी सामने आए हैं जो रेड्स में पता लगा कि फर्जी पार्टियां बनाकर और चंदा ले लेकर और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए चुनाव आयोग ने ठीक कर रही है। लाल बत्ती जो है खत्म की गई थी वीआईपी कल्चर को देखते हुए, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनकी तरफ से अभी भी बहुरंगी बत्ती अपना ली गई है। हाईकोर्ट के भी आदेश उसके बावजूद अम्बाला में भी ऐसे अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। मैं एग्जामिन करवाता हूँ। जो ऋण है वो आसान नहीं है। कुलदीप बिश्नोई को गठबंधन के भ्रष्टाचार से उसका जवाब देना पड़ेगा। अब देखिए भूपिंदर सिंह हुड्डा क्या कहते हैं, जनता उनको कई बार सबक सिखा चुकी है, अब वो फिर आते हैं और फिर जनता उनको सबक सिखाएगी। सर दूसरा ये कि दिल्ली में बस घोटाला का कोई सामने आया है, बस घोटाला की कोई आई है सिफारिश के ऊपर राज्यपाल ने सीबीआई जांच के लिए, तो उसमें आपका क्या है? तो अच्छी बात है कि ये क्योंकि सर वो पहले विपक्ष की तरफ से भी तारीफ सुनने को मिली है जनता कैंप में, जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ता खुद जो है कहने लगे कि मैं तो अपना काम करता हूँ, अब उसका कोई तारीफ करे या विरोध करे, हिंदुस्तान आजाद है, जो करना चाहिए करे। नहीं, लापरवाही तो मैं कभी किसी की बरसात करता ही नहीं। ये तो जनता के काम होने चाहिए सब जगह, मैं यही कहता हूँ। सब शिकायतें लगातार लोगों की बढ़ रही है, उसका कारण यही है कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। नहीं, ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मैं सुनने वाला हूँ, अगर कोई सुनने वाला ना हो तो किसके पास जाएंगे? अधिकारी को भी निर्देश देंगे कि वो जरूरी जो है चुनाव तौर पर यहाँ मौजूद रहें, इस कैंप के अंदर जरूरी तौर पर अधिकारी जो है यहाँ मौजूद रहे, उनको भी निर्देश रहेंगे कि नहीं? बिल्कुल, मैंने कह दिया कि अगली बार से मैं सख्त कार्रवाई करूँगा, अगर कोई डिपार्टमेंट या मशीन कुछ तो कार्रवाई करूँगा मैं। ऑल ऑफिसर्स शुड बी पब्लिक फ्रेंडली, उनको जनता के काम करना चाहिए ताकि जनता को इधर से उधर ना भटकना पड़े, और अगर जो नहीं करेंगे उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर इस बार भी जो प्रदेश भर का जनता दरबार कैंप लगता है आपका, उसके अंदर 7,000 जो है शिकायतें पार कर गई थी, उसको लेकर अधिकारियों को रहेगा कि वो जो है खुद भी कैंप लगाएं, यहाँ तक इतने लोगों को परेशान होकर आना पड़ रहा है अब तक? नहीं नहीं, देखिए मैं तो अपने यहाँ पर लगा रहा हूँ, लोग यहाँ आते हैं तो मैं सुनता हूँ, नहीं तो मैं तो अपने शहर के ही सुनूंगा। लोग बताएं, लोगों की डिमांड तो ये भी आ रही है कि ऐसा मेरा कोई वो अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि मैं सारे जिलों में जाके अटेंड करूँ, वहाँ हमारे और मंत्री हैं वो करते हैं सब जगह पर, मंत्री हैं विधायक हैं सब जगह पर करते हैं। चुनाव सर आप हमारे दीन बंधु हो जाए, हरियाणा में अगर सही मायने में आज की डेट में कोई दीन बंधु है तो वो अनिल विज। देखो मैं अपोजिशन का आदमी हूँ जी, आपके खिलाफ चलता हूँ, लेकिन मैं जब जब आया, आज भी मेरी एसोसिएशन हमारी एसोसिएशन आई है जी, मेरे नेतृत्व में आई है, आपने सही को सही और गलत, तो जो ये मानता है कि भाई अनिल विज दीन बंधु है वो हाथ उठा दो। मेरे पास कांग्रेस का प्रभारी, कांग्रेस का वर्कर हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ,
लेकिन मुझे मान है अपने विधायक पे, अपने मंत्री पे। सही मायने में अगर आप कोई दीन बंधु है, जो ये गब्बर शब्द है ये बिल्कुल गलत है, गब्बर एक लुटेरा था, अनिल विज दीन बंधु है, तो जो साथी इनको दिल से प्यार करते हैं, दिल से इज्जत करते हैं, आज से सिर्फ और सिर्फ इनको दीन बंधु के नाम से पुकारा है। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।